तो अभी हम लोगों ने गाड़ी करी है, ताजमहल गेट तक पहुंचाएगी बिल्कुल गेट के सामने, उसके आगे फिर आपको पैदल ही जाना होता है। वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये है वेदर, देखिए ऊपर वाला व्यू देखिए, यहाँ पे ये गार्डन है, ये शाहजहाँ गार्डन है। अच्छा, ये शाहजहाँ गार्डन है, आगरा फोर्ट तक जाता है, 3 किलोमीटर तक, बहुत बड़ा गार्डन है। ये अंदर जाने की लाइन है, पानी पी लो, पीना नहीं पीना। तो हम लोग अब चेक पॉइंट क्रॉस करके आ चुके हैं इस साइड, और अब हम जा रहे हैं देखने ताजमहल। तो दिस इज सिक्योरिटी चेक पॉइंट। ये ताजमहल का आउटर व्यू है, ये बाहर है, यहाँ से हम लोग आए हैं, यहाँ सामने से हम लोग आए हैं, और ये पूरा गार्डन है यहाँ पे। और वेस्ट गेट आगरा फोर्ट से सिर्फ 2.5 किलोमीटर, तो 10-15 रुपए में आपको शेयरिंग पे रिक्शा मिल जाएगा। तो दिस इज द मेन एंट्रेंस फ्रॉम द वेस्ट गेट, और ये सब उर्दू में, मतलब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अबाउट कुरान के कुछ शब्द हैं। इसकी टाइमली बहुत अच्छे से इसको वो कर रखा है इन्होंने, मेंटेन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं वो व्यू ये है। वाओ यार, वाओ, ओ, लुक एट द व्यू। This is actually real. Mesmerized. It is so beautiful. It is so beautiful. यहाँ पे अच्छा खासा टाइम हमारा स्पेंड होगा। यहाँ पे तो मतलब व्यू ही अलग है। व्यू चेक करो भाई, देखो ये इसकी शान बढ़ाते हैं। ये चार बाग है एक्चुअल में, ये ऐसे स्क्वायर के चार बाग, इनको मतलब चार बागों में बांटा गया, 1, 2, 3, 4। एक गेट वो है, वो वाला एक गेट यहाँ पे है, वो एक हम जिससे हैं, और एक इसके पीछे से है, ताजमहल के पीछे से, जो एक्चुअल में इसकी एंट्री है। साइड मेन है कहते हैं, मेन जो है वो फ्रंट वो है इसका, ये बैक है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम हमारे मतलब देश में सात अजूबों में से एक अजूबा है, और वो भी नंबर 1 पे, तो एक प्राउड सा फील होता है यहाँ पे आके। और देखो कितना मज़ा आएगा, कैमरे में जितना आपको दूर लग रहा है, एक्चुअल में बहुत पास है, ये बहुत ज़्यादा पास है। चलो जी, चलो चलो चलो, यहाँ पर आपको 40 रुपए वाले टिकट में नहीं आने दिया जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे। ये देखो, दिस इज दी ताज महल, एंड वी आर गोइंग अंदर ना। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं ये कम बंद कर रहा हूँ। पत्थर गड़ा रखा है, जो नक्काशी है ना, ये पेंट नहीं है, ये पत्थर ही है। इस सामने आप देख सकते हैं, इसके जस्ट पीछे ये वॉल है, इसके जस्ट पीछे जो छोटी कब्र है वो मुमताज महल की है, और वो जो बड़ी है वो शाहजहाँ की है।
और मरने के बाद भी एक साथ। एक्चुअल में जो क्या बोलते हैं ग्रेव है वो नीचे है और ये एक और पार्ट है ताजमहल का। तो हम हाँ तो ये हम अभी यहाँ से आए हैं और ये सामने है मेहताब बाग। मैं आपको थोड़ा ऑक्टागन शेप का बनाया गया इसको। हाँ ताजमहल को क्योंकि माना जाता है जन्नत के आठ दरवाजे। ये यमुना नदी है और ये एक्चुअल में एंट्रेंस थी राजा की। तब पानी काफ़ी आगे तक रहता होगा, फोर्ट से यहाँ से आते थे और यहाँ से अंदर मेन एंट्रेंस था। दिस इज द फ्रंट ऑफ ताजमहल। तो दिस इज द व्यू ऑफ यमुना नदी एंड दिस इज द ताजमहल। दूर से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, पास से पता नहीं लगता, लगता है किसी एक नॉर्मल आप म्यूजियम में या मॉस्क में आए हुए हो। इंडियन आर्किटेक्चर कितना एडवांस था उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे इस तरह की बनाना तो अलग ही चीज़ है, मतलब शायद नामुमकिन ही है। और ये सामने जो आप स्तंभ देख रहे हैं, चार पिलर हैं इसके, एक दो और एक उस तरफ है और एक ये तीन और ये चार। तो ये एक्चुअली टिल्ट हैं थोड़े से बाहर की तरफ क्योंकि अगर अभी कभी इनको कोई क्षति होती है तो ये गिरे तो बाहर की तरफ गिरे और इसमें इस पर ना गिरे, मॉस्क की तरफ ना गिरे, तो इस मेन स्ट्रक्चर पे ना गिरे। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ है विच इज़ लाइक वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंग। हाँ तो यहाँ से हम लोग आए थे, देख सकते हो भीड़ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि शाम को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे क्योंकि धूप नहीं रहती है और इन्जॉय करते होंगे शाम को यहाँ पे। और ये फाउंटेन तो गजब ही है। अच्छा आठ कोने हैं। तो आपको ये ताजमहल का ट्रिप कैसा लगा? और अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतनी धूप में वीडियो बना रहे हैं, पसीना देख सकते हो कि अभी शायद नहीं दिख रहा लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी अगले ब्लॉग में।